अयोध्या में एक कीर्तनिया बाबा थे, सियाराम बाबा। वे मानो निर्मित छाया में नहीं जाते थे और एक आम के वृक्ष के नीचे रहकर भजन करते थे। लगभग 3 घंटे विश्राम करते थे और बाकी समय श्री सीताराम नाम का जाप और कीर्तन करते थे। उनको नींद में खर्राटे लेने की आदत थी, जो धीरे धीरे बड़े जोर के होने लगे। एक दिन वे पेड़ को टिककर विश्राम कर रहे थे कि अचानक पीछे धड़ाम से गिरे। उठकर देखा तो वृक्ष था ही नहीं। बाबा जी सोचने लगे, इतना विशाल वृक्ष गया कहां? उसी समय सामने एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। बाबा ने प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? उन महात्मा ने कहा, हम हजारों साल से इस धाम में इस वृक्ष के स्वरूप में रहकर भजन करते हैं। बाबा ने पूछा, मानव शरीर धारण करने का सामर्थ्य होने पर भी वृक्ष के रूप में भजन किस कारण से? सिद्ध महात्मा बोले, मानव शरीर में शरीर, संसार का धर्म, कभी किसी से चर्चा बातचीत में सारा बहुत सा समय व्यय हो जाता है। बाबा ने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सिद्ध महात्मा बोले, तुम हमें नाम श्रवण कराते हो, इससे हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। परंतु इन दिनों खर्राटे बड़ी जोर के लगाते हो, हमको भजन में बाधा होती है। बाबा बोले, नींद में शरीर क्या करता है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। आप ही अपनी ओर से कृपा करके इन खर्राटों से मुक्ति दिलाएं। सिद्ध महात्मा बोले, अब तुम चिंता नहीं करना, निद्रा देवी तुम्हारे पास आएगी ही नहीं, अब हर समय भजन करते रहना। ऐसा कहकर बाबा पुनः अपने वृक्ष स्वरूप में आ गए। सियाराम बाबा को उस दिन के बाद कभी नींद आई ही नहीं। एक दूसरी घटना है, ब्रज क्षेत्र के पुछरी में श्री गौर गोविंद दास बाबा जी एक कुटिया बनाकर भजन करते थे। उनके साथ उनके एक सेवक लाडलीदास बाबा भी थे और कुटिया के बाहर बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा निवास करते थे। यह वृक्ष छोटा और रूखा सूखा था। बाबा नित्य प्रति उस वृक्ष को जल देते और प्रणाम करते। दोनों के बीच कई बार सत्संग भी होता था। जब पहली बार उस वृक्ष में फल आए तो उन महात्मा ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे सींच कर बड़ा किया है और फलदार बनाया है, तो मेरी एक विनती है कि इन फलों को ब्रज के संतों के पास पहुंचा देना, वे इन फलों को ठाकुर सेवा में लगाएंगे। श्री गौर गोविंद दास बाबा ने ऐसा ही किया। एक बार किसी ने उस वृक्ष पर धोती सुखाने के लिए डाली थी। महात्मा ने गौर गोविंद दास को स्वप्न में कहा, मेरे ऊपर किसी को कपड़े सुखाने मत दिया करो, भजन में विघ्न पड़ता है। मैंने पहले भी आपको कुछ घटनाएं ऐसी सुनाई हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में सिद्ध संत वृक्ष के रूप में भी रहते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सिद्ध संत की डायरी सुनी होगी तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने भी कुछ ऐसे किस्से बताए हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि वृंदावन में बहुत ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जो वृक्ष के रूप में रहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में सिद्ध संत की डायरी का लिंक दे दूंगा। पूरे 60 एपिसोड हैं उसके, आप उसे अवश्य सुनिएगा। ठीक इसी प्रकार की एक घटना है, जब मलूक पीठ में एक और फाटक बनाने की बात चली तो बीच में एक विशाल नीम का पेड़ था। लोगों ने वर्तमान पीठाधीश्वर से कहा कि इस वृक्ष को हटाना पड़ेगा, या तो इस वृक्ष को काट दिया जाए या दवाई डालकर सुखा दिया जाए। वर्तमान पीठाधीश्वर के मन में वृंदावन के सभी जीवों के प्रति पूज्य भाव है। उनके मन को यह बात पीड़ा पहुंचाने लगी। उन्होंने सबको घर भेजते हुए कहा कि
कल विचार करेंगे। उन्होंने उस वृक्ष को प्रणाम करके कहा, आप जो भी महात्मा या सखी सहचरी हैं, आपको पीड़ा होने से अपराध बनेगा। आपसे विनती है कि आप स्वतः ही किसी अन्य स्थान पर भजन करें। अगली सुबह ही वह हरा भरा पेड़ पूरा सूख चुका था। उसके पत्ते झड़ गए थे और उसकी मोटी सी टहनी बहुत ही पतली हो चुकी थी। वर्तमान में मलूक पीठ के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी हैं और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और उस पर प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन वो सुनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे भी अवश्य सुनिएगा।